हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आप स्टूडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एसएससी ने एमटीएस एग्ज़ाम की आंसर की जारी कर दी है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था कि 15 से 20 नवंबर के बीच आंसर की आने की पूरी पूरी संभावना है, और आज 20 नवंबर को एसएससी ने आंसर की जारी कर दी है। तो आप उसे कैसे देख सकते हैं, ssc.nic.in पर जाइए, आप सीधे लॉगिन कीजिए, ठीक। और मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा प्रोसीजर, आपके सामने ये एसएससी की वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें सबसे ऊपर आप ब्लू कलर में देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर की, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल री एग्जामिनेशन 2016 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज, ठीक। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। मैं बिल्कुल मोबाइल में ही आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप ज्यादातर मोबाइल ही इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के थ्रू ही आपको दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आंसर की कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें, तो जैसे ही आपकी वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल री एग्जामिनेशन 2016 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज। तो दिया हुआ है सारा प्रोसेस, द कंप्यूटर बेस्ड री एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वाज हेल्ड फ्रॉम 16/9/2017 to 31/10/2017 at different centers all over the country. The candidate response along sheet along with the tentative answer keys are now available on link given below. The candidates may log in using the same ID and password which were used by them during the examination to download the sheet. मतलब जो आपने जब ऑनलाइन एग्जाम दिया था तो जो आपका रोल नंबर था, ठीक है, वही आईडी और जो पासवर्ड यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, उससे ये आपके आंसर की ओपन हो जाएगी। तो नीचे ये लिंक दिया हुआ है, लिंक ऑफ कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट टेंटेटिव आंसर कीज एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके आंसर की वाला पेज खुलकर आ जाएगा और आप वहां से अपना आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने रॉन्ग किए, तो उसमें टोटल आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आंसर की चेक कीजिए और बताइए कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना आपका स्कोर बन रहा है इस एसएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो कमेंट में बताइए, ठीक है गाइस। तो वीडियो में आप बस इतना ही, आपको यही सब जानकारी देनी थी, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।